अस्सलाम वालेकुम क्लास, टुडे इज 10 जुलाई 2020 क्लास। आज का जो हमारा यूनिवर्सिटी का वर्क है में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो इस चैप्टर में बयान किए गए हैं। मैं आपको जस्ट समझाती हूँ। सबसे पहले टर्म है पंक्चुएशन मार्क, यानी कि फुल स्टॉप। वो कहता है देयर दीज आर प्लेस्ड एट द एंड ऑफ द सेंटेंस एंड दे कंसिस्ट ऑफ द पीरियड फुल स्टॉप कॉमा द क्वेश्चन मार्क एंड द एक्सक्लेमेशन मार्क डिक्लेरेटिव सेंटेंस और स्टेटमेंट एंड विद अ पीरियड। सो डू मोस्ट इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कमांड्स, यानी कि इसमें बताया गया है कि कोई भी हम एक सेंटेंस जब मुकम्मल होता है तो हम फुल स्टॉप लगाते हैं, बात कोई जाहिर रहे तो हम कोमा लगाते हैं, और जब कोई बात पूछी गई हो तो क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं। ठीक है जी, डिक्लेरेटिव सेंटेंस के स्टेटमेंट्स जब आती हैं तो फिर हम क्या लगाते हैं, ये वाली पंक्चुएशन का मार्क लगाते हैं। ठीक है, फिर हमें कोई कमांड्स दी गई हैं या इम्पेरेटिव सेंटेंस हो, वो जैसे कोई क्वेश्चन आ जाता है तो हमने उसके एंड पे क्वेश्चन मार्क लगाना है। बट नॉट एन इनडायरेक्ट वन विच एंड्स विद अ पीरियड, हमने इनडायरेक्ट वन के एंड पे नहीं करना है। जैसे कैपिटल लेटर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, फर्स्ट वर्ड आपकी लाइन का जो है वो कैपिटल होना चाहिए। एवरी न्यू सेंटेंस बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर, ये आपने ज़रूर याद रखना है कि फर्स्ट आपके लाइन का फर्स्ट वर्ड जो है उसका कैपिटल वर्ड होता है। अब आप बुक में भी देख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये देखें रिटर्न कैपिटल है, टर्मिनल कैपिटल है, इधर देखें पहली लाइन कैपिटल है ई, इधर देखें पहली लाइन कैपिटल, फर्स्ट वर्ड शुड बी कैपिटल। ठीक है, और इसके अलावा क्या है, प्रॉपर नाउंस कैपिटल होना चाहिए, एडजेक्टिव्स डिराइव्ड फ्रॉम देम, फॉर एग्जाम्पल अफ्रीका, वेस्ट इंडियन एंड शेक्सपियर। अब ये नाउन है ना, ये कैपिटल भी हैं, कैपिटल भी होंगे, प्रॉपर नाउन्स हैं ये। ठीक है, पर नाउन इज ऑलवेज रिटन विद द कैपिटल लेटर एज द इंटरजेक्शन ओ। ठीक है, आपने ये याद रखनी है बातें, कैपिटल लेटर किस किस के आता है शुरू में, एक तो लाइन के शुरू में, दूसरा वो प्रॉपर नाउन के कह रहे हैं। ठीक है, अब कोमा की बात आ गई, द कोमा हैज मैनी यूजेस। अब वो कहते हैं कोमा के बहुत सारे इस्तेमाल आते हैं, सबसे पहले है द लास्ट ऑफ विच यूजुअली इंट्रोड्यूस्ड बाय एंड, यानी कि वो एंड को हटाने के लिए या एंड की जगह हम कोमा भी लगा सकते हैं। द कोमा जस्ट बिफोर एंड इज ऑप्शनल, यानी कि हम या तो कोमा लगा सकते हैं या फिर कोमा लगा सकते हैं, बट इज प्रेफरेबल टू यूज इट व्हेन द लास्ट आइटम इज लॉन्ग फ्रेज और अ क्लॉज। जैसे एग्जांपल है दे विल विजिट लंदन, पेरिस, म्यूनिच एंड एम्स्टर्डम। अब देखिए उन्होंने इसमें जगहों के नेम दिए गए हैं। ठीक है, एक तो ये प्रॉपर नाउन है, ठीक है, और फिर ये है कि आगे बात जारी है, अभी बात ख़त्म नहीं हुई, उसने सिर्फ ये नहीं कहा कि दे विल विजिट लंदन, आगे उन्होंने कहा पेरिस भी गया, फिर म्यूनिक भी गया, फिर एम्स्टर्डम भी गया, आगे भी बात जारी है। ठीक है ना, अब इसी तरह नेक्स्ट है, यहाँ पे आप एग्जांपल देख लें कि शी वॉज अ जेंटल, फिर काइंड वुमेन, एंड नहीं कहा, हम ये अक्सर कहते हैं ना शी वॉज अ जेंटल एंड काइंड वुमेन, अब ये एंड की जगह उसने कोमा लगा दिया।